hello my dear children this is shika aurora and today we are going to start with class 8 science chapter number 4 that is combustion and flame so let's get started the main aim of this chapter will be combustion and its types combustible and non-combustible substance conditions necessary for combustions different regions of flame fuel and its types characteristics of ideal fuel so, children, have a look on warm up. Look at the given images. Mark a tick for the substance that catch fire and a cross for the substance that do not catch fire. So, if you talk a plant, baat karein, it will not easily catch fire. But a matchstick will catch fire. Water will not catch fire, and petroleum again, petrol will catch fire. Combustion. Now, what is combustion? प्रोसेस ऑफ बर्निंग सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज कंबस्टन जब हम किसी चीज को भी जलाते हैं तो क्या होता है कि आपकी एयर प्रेजेंट होती है तो हम क्या कर रहे हैं हम सब्सटेंस को जला रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबस्टन द सब्सटेंस दैट बर्न इज कॉल्ड एज फ्यूल अब भाई ऐसा तो नहीं है कि सारे ही सब्सटेंसेस बर्न करते हैं आपने पेपर लिया और उसको बर्न करने की कोशिश करी पेपर बर्न हो जाएगा लेकिन वहीं अगर आप सैंड की बात करो तो सैंड को हम जितना मर्जी कोशिश कर ले सैंड विल नॉट बर्न तो क्या हो रहा है सैंड जो है वो नॉन कम्बस्टेबल है द सब्सटेंस दैट बर्न इज कॉल्ड अ फ्यूल द प्रोसेस ऑफ कम्बस्टन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस नाउ वॉट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक्जो एक्सो का मतलब है बाहर निकलना लिबरेट करना तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है या लिबरेट की जाती है ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस सो चिल्ड्रन हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल कोल बर्न्स इन एयर टू गिव हीट एंड लाइट इट इज इरिवर्सिबल केमिकल चेंज तो अब हमारे पास दो टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं एक होता है कंबस्टिबल सब्सटेंस और एक होता है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस स वो होता है जो बर्न कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर लेकिन जो सब्सटेंसेज बर्न नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन कम्बस्टेबल जैसे कि हमारे पास जितने भी फ्यूल्स है लाइक फॉसल फ्यूल्स है इवन वुड है पेपर है क्लॉथ सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी बर्न तो इनको हम बोलते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंसेज द कम्बस्टेबल एनर्जी आर कॉल्ड एज फ्यूल फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल डीजल एल पी जी एक्सेट्रा नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंसेज क्या होते हैं ऐसे सब्सटेंसेज जो एयर की प्रेजेंस में भी बर्न नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंसेज दसिस दैट कैनॉट बर्न आर नोन एज नॉन कम्बस्टेबल एग्जाम्पल स्टोन हो गया ग्लास हो गया ब्रिक्स हो गई वॉटर सैंड है तो ये चीजें बर्न नहीं करती हैं तो इनको हम बोलते हैं नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस है लुक ऑन एक्टिविटी चिल्ड्रन टेक मटीरियल सच एस ब्रेक पेपर सैंड पीस ऑफ क्लॉथ आयरन नेल कैंफर मैचस्टिक कैंडल एंड ट्राई टू बर्न देम वन बाय वन यूजिंग अ लाइट कैंडल रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन तो आपको यहाँ पर इन सबको बर्न करके देखना है और ये बताना है कि इनमें से कौन सा कम्बस्टेबल सब्सटेंस है और कौन सा नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस है लुक ऑन एक्टिविटी टू चिल्ड्रेन टू शो दैट एयर ऑक्सीजन इज नेरी फॉर कम्बस्टन सो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए हमें टू कैंडल्स चाहिए ग्लास जार एंड अ मैच स्टिक तो हम क्या करेंगे हम लाइट करेंगे टू कैंडल्स को एंड फिक्स देम ऑन टेबल अब क्या करेंगे हम ग्लास जार इन्वर्ट कर देंगे एक कैंडल के ऊपर तो क्या होगा द तो कैंडल जो है थोड़ी देर तो जलेगी लेकिन उसके बाद कैंडल की फायर जो है वो एस्टिंग्विश आउट हो जाएगी लेकिन दूसरी जो हमारी कैंडल है वो जलती रहेगी ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने जार को इन्वर्ट कर दिया तो जार के अंदर जितनी ऑक्सीजन थी तब तक तो हमारी कैंडल बर्न करेगी जब तक कि वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है लेकिन जब जार की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो हमारी फायर जो है वो बुझ जाएगी दैट मीन्स दिस शोज दैट ऑक्सीजन इज अ कंडीशन विच इज नेसेसरी फॉर बर्निंग द कैंडल प्लेस्ड अंडर द जार गोज आउट बिकॉज द सप्लाई ऑफ एयर ऑक्सीजन इज कट ऑफ वेन द ग्लास जार इज इन्वर्टेड ओवर इट द अदर कैटल कंटिन्यूज टू गेट फ्री सप्लाई ऑफ एयर ऑक्सीजन एंड दे फो कीप्स बर्निंग सो कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबस्टन कौन-कौन सी हैं पहली बात है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है तभी कोई चीज बर्न करेगी दूसरी चीज द सब्सटेंस शुड बी कंबस्टिबल अगर हमारा सब्सटेंस ही कंबस्टिबल नहीं है तो आग कैसे पकड़ेगा सो सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट वी शुड हैव अ कंबस्टिबल सब्सटेंस नंबर थर्ड कंडीशन है कि हमें उसको हीट करना है टू इट्स इग्निशन टेंपरेचर

जब तक हम उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं देंगे द सब्सटेंस दैट कैन बर्न आर कॉल्ड एज जैसे कि हमारे फ्यूल्स हैं फ्यूल्स इजिली आग पकड़ लेते हैं इसीलिए उन्हें हम कम्बस्टेबल कहते हैं यू कैनॉट स्टार्ट अ फायर विदाउट अ कम्बस्टेबल सब्सटेंस अब बात भी सही है अगर हम पेपर की बात करें क्लॉथ की बात करें तो ये तो ईजिली फायर से बर्न ये इजिली बर्न हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर लेकिन अगर हम वही बात करें वॉटर की या फिर हम ले लें स्टोन ले लें ले, तो स्टोन्स कैसे हैं ये नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस है तो जो चीज़ कम्बस्टेबल ही नहीं है वो हाउ विल इट बर्न तो वो बर्न नहीं करेंगे द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ पर्टिकुलर सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर और तीसरी कंडीशन ये है कि कोई भी सब्सटेंस तब तक बर्न नहीं करेगा जब तक कि उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच ना हो जाए इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर टू विच सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड सो दैट इट स्टार्ट बर्निंग तो मिनिमम टेम्परेचर तक जब तक वो रीच नहीं करेगा तब तक कोई सब्सटेंस बर्न करना शुरू नहीं करेगा अ सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर इफ द टेम्परेचर इज लोअर देन द इग्निशन टेम्परेचर तो आपको सब्सटेंस को बर्न करने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना बहुत जरूरी है अगर आप उसके इग्निशियन टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर उसको हीट अप करते हो तो सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर सो देर आर थ्री कंडीशन कम्बस्टन पहली है सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन देन यू हैव कम्बस्टेबल सब्सटेंस और तीसरी चीज है इग्निशियन टेम्परेचर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस जिन सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और जो ईजिली फायर को कैच कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस जैसे पेट्रोल केरोसिन बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं तो इन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस इसीलिए जब भी हम इन चीजों के साथ वर्क कर रहे होते हैं वी हैव टू बी वेरी कॉशियस क्योंकि एक छोटे से स्पार्क से ही बहुत भयानक आग लग सकती है सब्सटेंसेज दैट हैव लो इग्निशन हैचर एंड कैन देअ फोर कैच फायर इजिली आर कॉल्ड एज इनफ्लेमेबल फ्लेमेबल सब्सटेंसेस फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल कैरोसिन एल्कोहल एल पी जी केयर मस्ट बी टेकन वेन स्टोरिंग कैन इग्नाइट दैम एंड कॉज अ मेजर फायर नाउ टाइप ऑफ कम्बस्टन चिल्ड्रेन देर आर मेनी टाइप ऑफ कम्बस्टन सबसे पहला है स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन तो स्पॉन्टेनियस कंबस्टन वो होता है जो एक दम से हो जाए मतलब जिसके लिए हमें इग्निशन टेम्परेचर भी रीच करने की जरूरत नहीं है बस एयर के कंटैक्ट में आते ही जो रिएक्शन हो जाए उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन जैसे कि सोडियम सोडियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते ही आग पकड़ लेता है फॉस्फोरस फॉस्फोरस भी जैसे ही एयर की प्रेजेंस में आता है बिलो इवन द हमारा रूम टेम्परेचर भी चाहे रीच ना हो तब भी वो एकदम से आग पकड़ लेता है तो ऐसे सब्सटेंसेस को ऐसे कम्बस्टन को हम बोलते हैं द स्पॉन्टेनियसबस्टन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर विदाउट बींग एग्नाइटेड इज नोन एज स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन एग्जाम्पल इंक्लूड बर्निंग ऑफ येलो फॉस्फरस इन एयर स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर एंड स्पॉन्टेनियस फायर इन कोल माइन्स येलो फॉस्फरस हैज लो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड तो ये थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड पे रीच होते ही एयर की प्रेजेंस में एकदम से आग पकड़ लेता है दस वेन द रूम टेम्परेचर इज थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड और अब इट कैचेज फायर और इसको हमें जलाने की भी जरूरत नहीं होती नौ सी एन एक्टिविटी टू शो दैटेंस कैनॉट कैच फायर इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर दैन इट्स इग्निशन टेम्परेचर तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा इसके लिए हमें एक पेपर कप चाहिए उसमें वाटर चाहिए एंड अ बर्न टेक सम वाटर इन अ पेपर कप एंड टू इट ऑब्जर्व विच कप स्टार्ट टू बर्न तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जिस कैन के अंदर जिस कप के अंदर हमने वाटर नहीं डाला है वो कप जो है वो फायर को कैच कर लेगा लेकिन जिसमें हमने वाटर डाला है वो फायर को कैच नहीं करेगा द एम टी कप कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग द पेपर कप कंटेनिंग वॉटर डज नॉट कैच फायर द वॉटर इन द कप बिकम्स हॉट तो क्या होता है कि हीट जो है वो पेपर कप ने ट्रांसफर कर दी वॉटर को इसी वजह से वो पेपर कप जो है वो जला नहीं दिस इज बिकॉज हीट सप्लाईड टू द पेपर कप कंटेनिंग वॉटर इज ट्रांसफर टू वॉटर बाई कंडक्शन hence paper is not heated above its ignition temperature and therefore it does not catch fire now second type of combustion children is rapid combustion jo uh, combustion bohot jaldi ho jaye use hum bolte hain rapid combustion aur a large amount of heat and light energy jo hai wo nikalti hai that means it is an exothermic reaction rapid combustion is the burning of a substance in which large amount of heat and light are released इन अ वेरी शॉर्ट टाइम बहुत जल्दी जल जाए उसे हम बोलते हैं रैपिड कंबशन जैसे आप पेपर को जलाओ तो पेपर एकदम से जल जाता है तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबशन द बर्निंग ऑफ कोल वुड केरोसिन पेट्रोल वगैरह आर द एग्जांपल्स ऑफ रैपिड कंबशन एक्सप्लोशन एक्सप्लोशन भी एक टाइप का कंबशन है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लाइट एनर्जी इज given आउट अलोंग विद साउंड आपको साउंड भी सुनाई देती है इसमें बहुत सारे अमाउंट में gases रिलीज होती हैं and smoke is also emitted out. Explosion एंड स्मोक इज of टाइप ऑफ a huge quantity of ऑफ हीट लाइट एंड साउंड आर प्रोड्यूस्ड the ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ of इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम time. इंक्लूड बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स आपने ये देखा होगा जब आप पटाखे जलाते हो तो क्या होता है हीट भी प्रोड्यूस होती है लाइट भी निकलती है साउंड भी प्रोड्यूस होती है और उसके साथ में रेजिड्यू भी निकलता है एन एक्सप्लोजन इन कोल माइंस ड्यू टू रैपिड कम्बस्टन ऑफ मीथेन गैस स्लो कम्बस्टन अब स्लो कम्बस्टन वो होता है जो धीरे धीरे होता रहता है जिसके लिए हमें इग्निशन टेम्परेचर तक रीच करने की जरूरत नहीं है द प्रोसेस प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एंड नो लाइट जैसे कि रेस्पिरेशन अब रेस्पिरेशन में भी क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये क्या है ये एक स्लो कम्बस्टन प्रोसेस है जिसमें हीट तो प्रोड्यूस होती है एनर्जी रिलीज भी होती है लेकिन लाइट नहीं प्रोड्यूस होती रस्टिंग ऑफ आयन एंड रेस्पिरेशन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्लो कम्बस्टन कम्बस्टन कैन बी क्लासिफाइड एज कम्प्लीट कम्बस्टन एंड इनकम्प्लीट कम्बस्टन अब कंप्लीट कंबस्टन कब होगा कंप्लीट कंबस्टन तब होगा जब हम किसी सब्सटेंस को बर्न करेंगे इन सफिशेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मतलब जब ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा होगी तो जो कंबस्टन टेक प्लेस करेगा उसे हम बोलेंगे कंप्लीट कंबस्टन तो कंप्लीट कंबस्टन में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी लेकिन इनकम्प्लीट कंबस्टन वो होता है जिसमें हम सब्सटेंस को हीट करते हैं इन द लिमिटेड सप्लाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की supply जो होती है वो कम होती है तो इस केस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी कंप्लीट कम्बस्टन ऑफ फ्यूल अकर्स व्हेन वेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर द फ्यूल टू बर्न द फ्यूल बर्न्स एंटायरली रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो आप देख सकते हो जब हमने कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में निकली हीट ऐसे ही आपने मीथेन को हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी नाउ इनकम्प्लीट कंबस्टन इफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज लिमिटेड इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ पार्ट ऑफ कार्बन डज नॉट बर्न एंड पासमोसफियर एस सूट एंड प्रोड्यूसिंग हाईली पॉइजनस कार्बन मोनोक्साइड गैस एस्टिंग अगर कहीं पर भी आग लग जाती है तो इट इज अटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंस बहुत ही खतरनाक बात होती है क्योंकि इट कैन कॉज डैमेज टू द प्रॉपर्टी इट कैन टेक लाइव ऑफ पीपल है ना लोगों की डेथ हो जाती है फायर की वजह से सो so, फायर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं हर जगह पर जितनी भी सिटीज़ हैं सभी में एक फायर स्टेशन इक्विप्ड होता है जिनके पास फायर फाइटिंग एपरेटर्स प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू वो आग को बुझाते हैं इट इज़ कॉमनली ऑब्जर्व दैट वाटर इज ऑफन यूज टू पुट ऑफ फायर हम ज़्यादातर कहीं पे भी आग लगती है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले पानी डालते हैं लेकिन पानी भी तभी फायदेमंद है जब आग किसी इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से ना लगी हो या ऑयल की वजह से ना लगी हो अगर हम ऑयल के अंदर ऑयल की वजह से अगर आग लगी है और उस पर हम पानी डालते हैं तो वो आग और ज्यादा फैलती है इसीलिए कभी भी अगर ऑयल की वजह से आग होती है तो हमें वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए हाउ एवर इट इज एसेंशियल टू नोट दैट वाटर इज नॉट इफेक्टिव इन एस्टिंग्विशिंग ऑल टाइप्स ऑफ फायर नाउ ट्रैक योर प्रोग्रेस चिल्ड्रेन सी फर्स्ट वन स्टेट वेदर द गि स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स ऑल सब्सटेंसेज बर्न विद अ फ्लेम नहीं इट इज फॉल्स डिफरेंट सब्सटेंसेस स्टार्ट बर्निंग एट डिफरेंट टेम्परेचर बिल्कुल सही बात है दिस इज ट्रू कम्प्लीट कम्बस्टन अकर्स इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं इट इज अगेन फॉल्स कार्बन मोनोक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कम्बस्टन येस दिस इज ट्रू वाइट फॉस्फोरस अंडरगोज रेपिड कम्बस्टन दिस इज करेक्ट रैपिड कम्बस्ट होता है हमें फायर को बुझाना है तो हमें पता है कि फायर के लिए तीन कंडीशन इंपॉर्टेंट है पहली क्या है सप्लाई ऑफ एयर दूसरी है कि कंबस्टेबल सब्स प्रेजेंट होना चाहिए तीसरी कंडीशन क्या थी फायर के लिए, के लिए के देट, 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 इग्निशन टेम्परेचर शुड बी रीच तो अगर हम इन तीनों ही सिचुएशंस को कट डाउन कर दें कि भाई अगर हम आग लगी है और हम कम्बस्टेबल सब्सटेंस को ही हटा दें तो आग बुझ जाएगी या तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई को ही कट डाउन कर दें तो भी आग बुझ जाएगी या फिर हम क्या करें कि सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे बिलो ले आए उसको तो भी हमारी फायर जो है वो एस्टिंग्विश आउट हो जाएगी Eliminating the combustible substance, however, this becomes impractical situation such as building fire. लेकिन भाई ये काम हम कब कर सकते हैं जब छोटी सी जगह पर आग लगी हो भाई कोई पेपर ने आग पकड़ ली हो या किसी क्लॉथ कोई ऐसा क्लॉथ हो जो बर्न करना शुरू हो गया हो लेकिन जब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आग लग जाती है तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है भाई बिल्डिंग को उठा कर तो थोड़ी हटा देंगे हम तो हमें कम्बस्टेबल सब्सटेंस को रिमूव करना है तो वो हम कपड़े को रिमूव कर सकते हैं पेपर को रिमूव कर सकते हैं लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को थोड़ी ही रिमूव कर सकते हैं वेयर द एंटायर स्ट्रक्चर इट से इग्निशियन टेम्परेचर तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं पानी डाल के हाउर वाटर इज इफेक्टिव ओनली फॉर फायर इन्वॉल्विंग वुड एंड पेपर जो वुड से लगी हो या पेपर की वजह से फायर लगी हो उसी केस में वाटर जो है वो यूजफुल है अगर ऑयल की वजह से आग लगी है और आप उस पर पानी डालते हो तो क्या होगा ऑयल तो लाइटर होता है इट विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर जिसकी वजह से आग जो है वो जलती ही रहेगी और अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की वजह से आग लगी है और आपने पानी डाल दिया तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फायर वाटर इज नॉट सूटेबल ड्यू टू कंडक्टिविटी पोजिंग एड रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक एडिशनली वाटर इज इन इफेक्टिव फॉर ऑयल और पेट्रोल फायर एज दीज सब्सटेंसेज आर लाइटर दैन वाटर कॉजिंग देम टू फ्लोट एंड कंटिन्यू बर्निंग इंटरप्टिंग द एयर सप्लाई दिस कैन बी अचीवड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज नॉन सपोर्टिव ऑफ कम्बस्टन तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है हम अगर एयर एयर की सप्लाई को कट करना है तो हम उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें तो कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग डेंसर, होती है एयर से तो इट विल सेटल ऑन द सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से वो एयर की सप्लाई को कट डाउन कर देगी इट विल फॉर्म अ ब्लैंकेट तो क्या होगा कि एयर को कम्बस्टेबल सब्सटेंस के कंटैक्ट में नहीं आने देगी तो हमारी जो फायर है वो एस्टिंग्विश आउट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड इज डेंसर देन एयर एंड क्रिएट्स प्रोटेक्टिव बैरियर अराउंड द फायर

तो इसकी वजह से क्या होता है इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है जो कि एक्ट करती है एज अ बैरियर बिटवीन द कम्बस्टेबल एंड द ऑक्सीजन और जिसकी वजह से फायर जो है वो इजिली एस्टिंग आउट हो जाती है एस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व विद ब्रिस्क एफोविज इट एस्टिंग ओवर इट इसके तीन कॉम्पोनेंट होते हैं पहला होता है कंटेनर दूसरा होता है बॉटल और तीसरा होता है नॉ कंटेनर ऑफ द फायर contains एंड कंटेन सोडियम तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है सोडियम bicarbonate present प्रेजेंट होता है वहीं इसके पास एक छोटी सी bottle होती है जिसमें concentrated सल्फ्यूरिक एसिड होता है और ये bottle के contents, सिलेंडर के कंटेंट से कब मिक्स होंगे जब इसका हम नॉब को प्रेस करेंगे सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड्स रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट तो सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और क्या लिबरेट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद ग्रेट फोर्स दिस फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई एंड एस्टिंग्विशेस द फायर सो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक छोटी सी बॉटल है जिसमें डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और इस सिलेंडर के अंदर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन तो जब हम नॉब को प्रेस करते हैं तो डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इसके कंटैक्ट में आता है सोडियम बाइकार्बोनेट के कंटेक्ट में आएगा और इसकी वजह से जो रिएक्शन होगा सोडियम विल कंबाइन विद सल्फेट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी लिबरेटेड तो यही वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि फायर को एक्सटिंग्विश करने में फिर हमारी हेल्प करेगी तो हमारे पास दो टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं फोम फायर एक्सटिंग जो कि इफेक्टिव होते हैं फायर विच आर कॉज ड्यू टू सॉलिड एंड लिक्विड एंड सेकेंड इज ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग जो कि इफेक्टिव होते हैं फायर कॉज बाय लिक्विड एंड फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायर से सो है लुक ऑन क्लिकीपीडिया चिल्ड्रेन ड्रोन्स अनमैंड एरियल व्हीकल्स एंड रोबोट्स आर इंक्रीजिबली यूज टू फाइट फायर इन हाई राइज बिल्डिंग और अदर एरियाज इन असेसबल टू फ्लेम so, को बर्न करते हो तो उसमें से आपको क्या दिखाई देती है दिखाई आप एल पी जी को बर्न करते हो तो भी आपको दिखाई देती है। इज द विजिबल गैशियस पार्ट ऑफ द फायर द कलर ऑफ द फ्लेम वेरीज विद द नेचर ऑफ द कंबस्टेबल सब्सटेंस हम कैसा सब्सटेंस को बर्न कर रहे हैं उसका क्या नेचर है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कलर हमने उसको कितना टेम्परेचर सप्लाई किया है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कलर एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इट इज गेटिंग तो जितनी हम उसको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं उसके ऊपर भी कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड करेगी कैंडल फ्लेम तो अगर हम कैंडल की फ्लेम को देखें तो वी कैन डिवाइड इट इन टू थ्री जोन्स इसको हम तीन जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट इज द इनर मोस्ट जोन इनर मोस्ट जोन जो होता है ये डार्क कलर का होता है इसमें लाइट नहीं दिखाई देती क्योंकि यहाँ पर कोई कम्बस्शन होता ही नहीं है द जोन कैन बी सीन जस्ट अराउंड द विक ऑफ द कैंडल फ्लेम इट इज नोन एट द डार्क जोन विच कंसिस्ट ऑफ अनबर्न वेपर्स ऑफ कम्बस्टेबल मटीरियल लेकिन यहाँ पर कोई भी कम्बस्टन जो है वो टेक प्लेस नहीं करता है बिकॉज वेरी लिटिल ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इट इज द कोल्डेस्ट जोन ऑफ द कैंडल तो क्योंकि यहाँ पर कोई कंबस्टन हो ही नहीं रहा इसीलिए ये पार्ट जो है ये कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है देन कम्स द मिडल जोन मिडल जोन इज ऑल्सो नोन एज द लूमिनस जोन ये हमें येलो कलर की लाइट एमिट करते हुए दिखाई देता है इट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द फ्लेम एंड इज मॉडरेटली हॉट तो ये पार्ट जो है ये हॉट भी होता है और फ्लेम का ज्यादातर पार्ट को ये बनाता है यहां पे इनकम्प्लीट कम्बस्टन ऑफ फ्यूल होता है इसी वजह से ये हमें येलो कलर का दिखाई देता है इनकम्प्लीट कम्बस्टन ऑफ वैक्स वेपर्स अकर हेयर ड्यू टू द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भाई हमने लोअर मोस्ट जोन की बात करी थी वो डार्क जोन था वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल ही नहीं थी लेकिन मिडिल जोन जो होता है वहां पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है इसीलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट कम्बस्टन ऑफ वैक्स वेपर्स होता है द फ्यूल वेपर्स बर्न पार्शली प्रोड्यूसिंग कार्बन पार्टिकल्स पार्टिकल्स लीव स्मोक एंड सूट एज रेजिड द कलर ऑफ दिस जोन इज येलो उसके बाद आता है द आउटर मोस्ट जोन तो आउटर मोस्ट जोन में सफिशेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल है तो यहाँ पे कंप्लीट कम्बस्टन ऑफ फ्यूल होता है इसीलिए ये हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है

एंड देन द आउटर मोस्ट जोन जिसको हम बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस जोन क्योंकि यहां पे कंप्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल जो है वो होता है जिसकी वजह से ब्लू कलर की लाइट एमिट होती है नाउ हैव अ लुक ऑन ट्रैक योर प्रोग्रेस द आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम इसको हम क्या बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस जोन नॉन ल्यूमिनस जोन पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम विच अपियर्स ऑरेंज येलो तो यह होता है मिडल पार्ट मिडल जोन हॉटेस्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम दिस इज द आउटर मोस्ट जोन द कोल्डेस्ट जोन ऑफ द कैंडल दिस इज द इनर मोस्ट जोन सीधा विकिपीडिया चिल्ड्रन अ फ्लेम ऑलवेज पॉइंट्स अपवर्ड ऐसा क्यों होता है क्योंकि द गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबशन आर लाइटर देन एयर और जो चीज लाइटर होती है इट हैज द कैपेसिटी टू राइज़ अप तो जो भी एयर लाइट होती है वो राइज़ अप करती है इसी वजह से फ्लेम जो है वो हमें ऊपर की तरफ को चलती हुई दिखाई देती है फ्यूल सब्सटेंसेस सच एज चारकोल वुड एल पी जी पेट्रोल डीजल कोल कैरोसिन दैट आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर कॉल्ड एज फ्यूल्स तो जो सब्सटेंसेस बर्न करते हैं और बर्न करने पर हमें सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट और लाइट देते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं फ्यूल टाइप्स ऑफ फ्यूल अब फ्यूल्स को हम थ्री कैटेगरीज में डाल सकते हैं फर्स्ट इज सॉलिड फ्यूल सॉलिड में आ जाएगा आपका वुड चारकोल कोल काउडंगक एक्सेट्रा लिक्विड फ्यूल्स में पेट्रोल है डीजल है कैरोसिन है दीज कैन बी द लिक्विड फ्यूल्स एंड गैशियस फ्यूल में नेचुरल गैस कोल गैस पेट्रोलियम गैस ये हमारे गैशियस फ्यूल हो जाते हैं नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल तो आइडियल फ्यूल जो है वो हमारा चीप होना चाहिए आसानी से अवेलेबल होना चाहिए इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए उसका इग्निशन पॉइंट ना तो टू हाई होना चाहिए और ना ही टू लो होना चाहिए मतलब मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए इट शुड बी चीप एंड रेडिली अवेलेबल इट शुड बर्न एट मॉडरेट रेट टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इट शुड नीदर प्रोड्यूस एनी पॉइजनस फ्यूम्स ऑन बर्निंग नॉर लीव एनी रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग इट शुड हैव हाई कैलोरफिक वैल्यू इट शुड बी सेफ एंड ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट इट्स एग्निशियन टेम्परेचर शुड बी अबब द रूम टेम्परेचर नाउ चिल्ड्रन वॉट इज कैलोरफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल कैलोरफिक वैल्यू इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज वेन वन किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इज बर्न इन सफिशेंट सप्लाई ऑफ एयर तो जो हमारी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं कैलोरफिक वैल्यू All combustible substances release heat when they undergo combustion the quantity of heat released per unit mass of a combustible substance varies among different substances this factor determines whether a substance is a good fuel or not this characteristic is commonly referred to as calorific value of the fuel the calorific value of a fuel is defined as the amount of heat liberated

जैसे कि बायोगैस बायोगैस की कैलोरिफिक वैली होती है थर्टी फाइव थाउजेंड टू फोर्टी वन थाउजेंड के जी किलो जूल पर के जी कोक की होती है ट्वेंटी एट थाउजेंड टू थर्टी वन थाउजेंड कोल फिफ्टीन थाउजेंड टू ट्वेंटी सेवन थाउजेंड चारकोल की ट्वेंटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड हाइड्रोजन वन फोर वन सेवन नाइन ज़ीरो केरोसिन फोर्टी फाइव थाउजेंड एल पी जी फिफ्टी थाउजेंड मीथेन 55,000 पेट्रोल की होती है 45,000. तो यहां से आप देख के बता सकते हो कि जो हाइड्रोजन है वो हमारा कैसा फ्यूल है It is an ideal fuel क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा एल पी जी स्टैंड फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इट इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन गैस यूज एज फ्यूल इट बर्न क्लीनली विद नो सूट एंड इज वेरी लो सल्फर एमिशन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल तो चिल्ड्रन हमें ऑलरेडी पता है कि जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो कुछ हार्मफुल गैसेस निकलती हैं विच पल्यूट द एयर दे कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज इन ह्यूमन्स एज वेल एज इन एनिमल्स वेन फ्यूल्स लाइक कोल वुड पेट्रोलियम आर बर्नड अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स आर रिल्ड इन टू एयर दिज फाइन पार्टिकुलेट्स कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच एज एस्तम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बन मोनोक्साइड जो है वो कॉज करती है कार्बन मोनोक्साइड इन ह्यूम तो जो कि इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ अ पर्सन अस गैस दैट कैन कॉज सफोकेशन एंड इवन डेथ कंबस्टन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ ग्रीन हाउस गैस तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही पोलर आइस कैप्स जो है वो मेल्ट कर रहे हैं और जिससे लो लाइंग एरिया जो है वो पानी में सबमर्ज होते जा रहे हैं दिस लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप्स रिजल्टिंग इन द राइजिंग सी लेवल एंड कॉजिंग कलामिटीज इन कोस्टल एरियाज फ्यूल्स लाइक कोल एंड डीजल कंटेन सल्फर विच प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड अपॉन कन सल्फर डाइऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस और जब ये रेन वाटर के साथ मिल जाती है तो इट फॉर्म्स डायल्यूट एसिड जो कि अर्थ पर आते हैं तो देफुल बिल्डिंग्स एंड लिविंग ऑफ ताजमहल इज ऑल्सो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन नाउ हैव अ लुक ऑन ट्रैक योर प्रोग्रेस स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स

Have a look on Wonderbox, children. Doctor Rudolf Diesel, 1858 to 1913. The idea of using vegetable oil as engine fuel was developed as early as 1895 by Doctor Rudolf Diesel. He developed the first engine to run on groundnut oil and demonstrated it at the World Exhibition in Paris in 1900. Keyword and explanation. Combustion the process of burning a substance in presence of air or oxygen with the liberation of heat and light is called combustion ignition temperature the temperature at which a particular substance burn in presence of air is called its ignition temperature calorific value the amount of heat produced in kilojoules when a gram of fuel is completely burned is called calorific value of the fuel Combustible substance, a substance that burns easily. Inflammable substance, a substance that has low ignition temperature and hence can catch fire easily. Flame, a region of burning gases, is called a flame. Now, see the review zone, children. First question says, take the correct option. The first one is, a substance burns completely in.

एंड आइडल फ्यूल मस्ट हैचर फिलिंग द ब्लाइंड चिल्ड्रेन दिलोरफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन किलोजूल पर के जी सी द सेकेंड वन चिल्ड्रेन अ लिक्विड फ्यूल यूज इन होम्स इज केरोसिन आप कैरोसिन भी यूज करते हो घर में fuel must be heated to its ignition temperature. the dash zone of candle is the zone of no combustion. the dark zone, yeah, innermost zone, dark zone. the most common supporter of combustion is oxygen. state whether the following statements are true or false fire caused by oil can be controlled by water no this is false wood is a better fuel than lpg again this is false the higher the ignition temperature the more inflammable the substance this is again false when coal is burned in insufficient oxygen it produces carbon monoxide this is true Greenhouse effect causes melting of glaciers. Yes, this is true. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.